और तब से तक चीजें हमारे उलमा जो दारू रूम से निकल के यूनिवर्सिटी के शहर में जो झंडा गाड़ देते हैं उनके मुकाबले में दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं खड़े हो सकते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुरान को बड़ी बारीकी से सीखा। छोड़ देते हैं, अरे ये मौलवी और अंग्रेजी बोलता है। हमने कहा ये आपकी सोच जो है अच्छी नहीं है। मौलवी को मौलवी ना समझो, मौलवी अगर चाहे तो किरदार मुस्तफा अपना कर इमाम जमाना हो जाए। तब इतनी बड़ी कुर्सी दे दी ऊंचे बैठान की नहीं। अब दोनों फर्क है, हम गड़बड़ाई के गिर पड़ी तो गोर हाट और तू कहाँ गिर गो जब गिरे जगह स्पेस है। थोड़ा सा इल्म हासिल किया, इल्मे दीन हासिल किया, आपके ईमान आपके जज्बात ने कहा हम इनके इन्हें अपने बराबर नहीं बल्कि इन्हें ऊपर बिठाएं। लगा दिया मिंबल, लगा दिया डाइस, लगा दिया मंच, लगा दिया क्यों कि हमारे उलमा आ रहे हैं। है ना, तभी तो लगाया सुभान अल्लाह। हमारे उलमा आएंगे उनके लिए ऊंचा मकाम होना चाहिए और यहीं से दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब पूछने की जरूरत नहीं कि ये स्टेज किसने किया है और ये भी पूछने की जरूरत नहीं ये जो प्लास्टिक ये जो बिछाई गई है जमीन पर ये किसके लिए है। तो एक गूंगा बहरा भी वजाहत करने पर आएगा, कहा ये मंच उलमा के लिए है और ये जमीन सामईन के। नमस्ते, आप ही है सुभान अल्लाह है कि नहीं? नमस्ते आप ही है। हम ये नहीं कहते कि घर से जेब भर के आए, नमस्ते आप ही है। इसलिए नमस्ते है क्योंकि आपका कनेक्शन गरीब नवाज है। नवाजना वही जानता है जो हुजूर गरीब नवाज से ताल्लुक रखता है कि नहीं? खाजा गरीब नवाज से जो मिल जाए, जिसका दिल मिल जाए, जिसके दिल में अजमेर की तस्वीर आ जाए, सुभान अल्लाह, वो नवाजी भी जाती है शख्सियत। वो आदमी नवाजा भी जाता है और दूसरे को नवाज भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हमें अपनी जमीन मजबूत करनी है तालीम के मामले में, ठीक नहीं है? अब मदरसा में दोनों फाइन तो लागत नहीं है, चाहे 15 दिन गायब रहो और ये हमारी माँ बहने न्योता करे लेके बाड़ा गई, चार हाथ पगाव ले गई, अपना तो जाते ही 3 बिटिया 4 लड़के बटोल लेके चली गई अक्का पर बैठ के। अब वो 15 दिन तक अबे ना ये यहाँ लड़के जो पढ़ रहे साथ है वो अगर गए ये पिछड़ गए। तब ये कहा थी हमारे लड़कवा अब ही संदल कुरान का है बाजा है, तू न्योता बाजी रही हूँ तब तो वही में हूँ। मैं कुछ नहीं खाई ले पढ़ाई ली है कि नहीं? यहाँ तो कोई फाइन पड़ता नहीं कि फाइन पड़ जाए तो डर हो, 50 रुपया 100 रुपया 500 रुपया फाइन का डर होता है। है हम वलीमा नखाब नहीं, लड़का हमारा पकड़ जाए क्लास से निकाल दिया जाएगा, फाइनेबल हो जाएगा, इस पर फाइन का एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, डर होता है। और उसमें रूटीन भी है कि हफ्ते में अगर 75% उसका अगर प्रेजेंटेशन यानी हाजिरी नहीं है तो फिर तुम जानो तुम्हारा बेटा जानो। हाँ, तो ओके डर बहुत है, फाइन पड़ी टाटा जाई ये हो कि रात से रिस्ट्री गेट कर दिया जाएगा इस अगर। और ये कहा थी तो मदरसा अपने सब अपने मौलवी कहाँ जाई है? हाँ, ये ना ये ज्यादा भी धोई है दूसरे के ले आई भाई है कि नहीं?
सुनो, ये बार बार जो है पाए पैर की जूती की तरह अपने इमाम और अपने जो है मदारिस के असातिज़ा को बदली ना करो। ये पैर की जूती की तरह एक बार जब जम जाए और वो सही खड़ा उतर रहा है तो उसको उसी खिदमत पर मामूर रखो ताकि उसकी मौजूदगी का तुम्हें कुछ फायदा मिले। बताओ आज वो भी आयो काम निकाल ले हो तब तुम्हारे घरे गल्ला पहुंची है काहे? जब हरदम गाढ़ा की हो उखारा की हो उखारा की हो गाढ़ा की हो उखारा की हो तब गल्ला तो छोड़ो ऐसे अगर बदली करते रहोगे तो इल्म ना मिली, सारे बच्चे वैसे घूमेंगे जैसे आम लोगों के बच्चे होते हैं। लिहाजा ये आपके घर की डायरेक्टर हैं, हिदायतदार हैं, इनसे कहो कि बच्चों को जिस पगडंडी पर खड़े करें तो उस पर हमेशा कायम रहे और ज़हनो फिक्र के वादी में ये बात रहे कि हमने इस बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए मैदान में उतार दिया, मौला करम फरमा कि मेरा बच्चा भी किसी लायक हो जाए। कुछ लोग ये हो कहा था मियां मौलवी पढ़ाई में कोई धरा नहीं है, बाबे बाबूमा 5,000 पावत हैं और उसके बाद जो है बेचारे घर भर परेशान हैं, तो ये 5,000 बाद दियत के है हम ही पूछे। इसे कहो कि जुड़ई पुरो में 5,000 दी थे पावत हैं, जिगना में 8,000 पावत हैं, ये हजरवा देत के हैं, हम ही तो ही था अतना तनखा दे था कि महीने दी मर्तबा छी जाए जाए तो सब खत्म। हाँ खत्म, सही है सही है। तो इस अगर कहे तब तू जो काम पकड़ लिए तो 5,000 नदारत डॉक्टर ले ले, नर्स ले ले, मेडिकल वाला ले ले, ले ले थे कि नहीं? अब अपने लड़का का कहा तुम मस्कर भेजो, 50,000 रुपया महीना आवे है कि नहीं? तो ये बताओ 5,000 और 10,000 से ऊपर उठो कि ना उठो? बोलो, जो आपका इमाम हो, जो आपके बच्चों को अच्छी तरबियत देता हो, जो आपके बच्चों को दीनी तालीम से उनके कुलूब को आरास्ता करता हो, बोलो उसका कोई स्टेटस है कि नहीं? बोलो उसका स्टेटस है कि नहीं? ओहो लेखपाल आ जाए कानन तोरे फूंक दे पर 25,000 निकाल दे तो हाँ हाँ वो में हवा खसता है यार कह दियो। अरे बेईमानी के रास्ता जोन मनाई लेखपाल के कानन फूका तो जान लो पूरा मौजा लिखावा चाहते हैं। हाँ नहीं है एक बारी जमीन के लिए बेईमानी करना आखिरत में नुकसान का नुकसान का सबब है, इसलिए तालीम हासिल करो। कम से कम ये हाफिज जी आपका बेटा नईम हाफिज नईम सुभान अल्लाह जिस रास्ते से गुजरेगा कोई ये नहीं कहेगा नईम जा रहा है हाफिज जी जा रहा है। बोलो 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 हाफिज जी, माँ भी जिसने पैदा किया अपने शिकम से बड़े दर्द के साथ वो भी कहती कि हमारे हाफिज जी का देखियो पैदा किया माने किरदार निभाया वालिदैन ने सुभान अल्लाह। अब कुरान का हाफिज कुरान हो गया सुभान अल्लाह, अब नाम नहीं लिया जा रहा है सुभान अल्लाह, लकब से पुकारा जाता है। हाफिज जी को देखा तो पूछा जाएगा कौन हाफिज जी? हाफिज मोहम्मद नईम को कंफर्म हो गया, आईडी खुल गई, सारा मुबहम खुल गया, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं। अच्छा वो नहीं जो हाफिज कुरान है, वो नहीं जो मुहद्दिस है, वो नहीं जो फकीह है, वो नहीं जो इमाम है, वो नहीं जो काइद है, ये सारे अल्फाज के ज़बान पर आने लगते हैं क्योंकि इसमें खानदान का नहीं रब के कुरान का हिफ्ज किया। तो एक मामूली बात नहीं है, हम लोग यहीं पिछड़ा हाफिज बना दो
या कम से कम पांचवी तक तालीम दिला उर्दू अरबी इंग्लिश हिंदी पांचवी तक हो जाए, उसके बाद सीना ठोक कर बेटा जहां भी जाएगा और टेस्ट में बैठेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पेचीदा से पेचीदा सवालात का सलूशन कर देगा, हल कर देगा। अब तो आईएएस के सवालात में जहां पूछा जाता है डीएम वाले में पूछा जाता है कि ये बताइए जीम और जो में क्या फर्क है, पूछते हैं आईएएस के सवाल कि ये बताइए आप तो मुसलमान हैं, ये बताइए जीम और जो में क्या फर्क है। तू जब तू पढ़े नहीं हो तो बताए भाई वो हिंदू भाई होकर हिंदू प्रोफेसर होकर के खुद आईएएस है वो खुद कहता है कि मुझे तो मालूम था कि मुसलमान हो तुम्हें अपने उर्दू का अल्फाबेट आता हो प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज उच्चारण ये उर्दू जबान सीखने ही से आता है। तो अब अंग्रेजी के तलफ्फुज जिस तरह हम लोग अदा कर देंगे कोई नहीं कर पाएगा, गारंटी है। कोई कहता है सिटीजन, जब एक आलिम बोलता तो कहता है सिटीजन, कोई कहता एप्लीकेशन, लेकिन एक आलिम जब बोलेगा तो होगा एप्लीकेशन। यही प्रोनाउंसिएशन है, कहां छोटी सीन है कहां बड़ी सीन है कहां जीम है कहां जो है ये सब देखना पड़ता है। तो उसने पूछा कि हमें नहीं मालूम है तो कहीं मैं इसी बुनियाद पर तुम्हें निकाल रहा हूं कि एक स्ट्रीम में तुम फेल हो गए। पता ये चलता है हमें दीन के साथ दीन का दीनी तालीम हासिल करने के लिए पहले कहा गया है और बाद में दुनियावी तालीम के लिए। ये बताओ ब्याह तय नहीं भागोड़ा पहले बनाई दे पाओ पहले ब्याह तय हुए तो पहले इल्मे दीन हासिल के बाद आगे तक कहां ले जाओ, अल्लाह मदद करे सरकार करम फरमाए दिल्ली तक जाओ ऑक्सफोर्ड तक जाओ कैम्ब्रिज तक जाओ लंदन तक जाओ दुनिया के आखिरी कोने तक जाओ तालीम तालीम हासिल करने वाले मुसाफिर चलने से नहीं थकते। ऐसे तो है जैसे तू लोग काम धंधा एरा करो तो मुंबई मुंबई या तो यहाँ नहीं चलत है पूना चला जाए पूना नहीं चलत है फलाने जगह चला जाए, ऐसे हम लोग भी किए थे। कहाँ अच्छी पढ़ाई होती अशरफिया में, कहाँ अच्छी पढ़ाई होती अलीमिया में, कहाँ अच्छी पढ़ाई होती हबीबुर रजा में, ऐसे जांच लेते हैं परख लेते हैं उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं उसके बाद वही फॉर्म भर देते हैं। बस ये कि पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। तो ये तनख्वाह भले कम कही है लेकिन सरकार का इतना करम है जिस गली से गुजरेंगे तो लोग कहेंगे ये कोई हाफिज है या आलिम है उनका लिबास बताता है। अच्छा ही बताओ ये गाँव में मैया तो ये तबो भाई कि नहीं भाई भाई ही ना कई पेटी रुपया लाद दे उनके मुड़े पे जाने उनको तो इतनी भी कुदरत नहीं थी कि अपने जेब से निकाल कर कह दे कि जाओ हमारे पैसे कफन ले आओ देखो कुछ नहीं देखो ना। तो पता चला पहचान दौलत से नहीं शरीयत से होती है। किससे होती है शरीयत से। हम जिस बस्ती और जिस करिया और जिस पॉपुलेशन जिस आबादी से गुजर जाएं तो दूसरे मजहब के लोग भले नाम ना जानते हो लेकिन ये कहेंगे ये मुसलमान जा रहा है। किसने बताया हाँ? मुसलमान साबित करने के लिए इस बाल की जरूरत है कि इस बाल की बोलो 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 पते की बात बोलो किस बाल का किरदार है। किरदार सर के बाल का नहीं है दाढ़ी के बाल का किरदार है। पता ये चलता है एक आईडी हमारे पास ऐसी भी है चाहे जिस भीड़ से गुजरे और दाढ़ी हमारे चेहरे पर जो सर
सजी हुई है, देखने वाला देख के कह देता है ये तो मुसलमान